नमस्ते, स्वागत है आपका स्टडी लैब्स पर। तो स्टडी लैब्स ने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं और बच्चों ने कुछ इस मौके पे एकदम सरप्राइज दिया मुझे। उन्होंने बॉटल के साथ ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करके उनको सोचा क्या करना है, उनको किया, बनाया, परफॉर्म किया और बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। उसके बाद एडिट किया सारे वीडियोज को जोड़ के और फिर भेजा स्टडी लैब्स के 5 साल कंप्लीट होने पे। तो मुझे तो काफी अच्छा लगा। आप लोग भी देखिए कि किस तरीके से उन्होंने एक ही बॉटल के साथ बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाए हैं। हेलो, ये एक मतलब छोटा सा बॉटल है और हम सभी लोग मतलब 16-17 लोग हैं, जो कि अभिषेक भैया ने हम लोगों को सिखाया कि मतलब एक ही बॉटल से मतलब कितने प्रयोग बन सकते हैं। तो इसमें हमने मतलब 2 छेद किए, एक ऊपर ढक्कन में कर लिया है और इस साइड में हम अंगूठा लगाए हुए हैं। तो इसको मतलब पूरा पानी से भर लिया है और हम इस मतलब इस वाले छेद को खोलते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो इस वाले छेद को जैसे ही हम खोलते हैं बस पानी निकलना शुरू हो जाता है और ऊपर वाले छेद को जैसे ही बंद करते हैं पानी तुरंत ही बंद हो जाता है निकलना। और फिर जब हम खोलते हैं तो फिर ही तुरंत मतलब चालू हो जाता है पानी और फिर बंद करते हैं तो मतलब पानी निकलना बंद हो जाता है तुरंत जैसे ही बंद करते हैं। और अगर हम इस बॉटल का मतलब पूरा पानी निकालना चाहें तो इसको खोल सकते हैं और इसके मतलब पानी के दबाव के कारण ये पूरा पानी बाहर निकल सकता है। और अगर इस छेद के नीचे का पानी मतलब पूरा बच रहा है तो हम इसको ऐसे करके और इसको उलट करके ऐसे मतलब चला सकते हैं और पूरा पानी इस बॉटल का बाहर निकल सकता है। थैंक यू सो मच अभिषेक भैया। और भैया ने हम लोगों को बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट सिखाए हैं तो हम उनमें से एक बताने जा रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में मैंने पानी डाला है और एक पाइप लगाया। देखिए पानी बाहर निकल रहा है। अब पानी इतनी दूरी पर रुक गया है। अब इसके बाद जब हम इसको इसके अंदर डालेंगे तो फिर पानी बाहर निकल जाएगा। तो देखिए इसमें मैंने जब इसको इस वाली पाइप को इसके ऊपर डाला है तो जो वायु का मतलब दबाव था वो नीचे भी लग रहा था और इसके ऊपर लग रहा था तो पानी बाहर नहीं जा रहा था। जब मैंने इसको डाल दिया है इसके ऊपर तो पानी सारा नीचे गिर गया। थैंक यू सो मच अभिषेक भैया। भैया मैंने मतलब ये बॉटल से प्रयोग बनाया है तो ये बहुत ही मतलब जादुई टाइप का प्रयोग है। इसमें देखिए हम जैसे ही ढक्कन को मतलब खोलते हैं तुरंत पानी निकलने लगता है और जैसे ही ढक्कन को बंद करते हैं तुरंत निकलना बंद हो जाता है पानी। तो इसमें बच्चों को करने में बहुत मज़ा भी आता है और इसके मतलब इस प्रयोग के द्वारा एक बहुत अच्छे से एक विज्ञान की मतलब मेथड सीख सकते हैं। जब हम ढक्कन को खोलते हैं तो इसके अंदर जो हवा है उसका दबाव इस पानी पर पड़ने लगता है और इन जो छेद हैं इसके आर पर इनसे पानी निकलने लगता है। और फिर जब इसको बंद करते हैं तो जो मतलब बाहर की हवा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो मतलब अपना दबाव ज़्यादा डालता है अंदर की वायु से तो इसलिए बाहर पानी नहीं निकलता है जब ढक्कन बंद करते हैं। तो इससे मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से एक साइंस सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच अभिषेक भैया, आपने इतने सब में यानी प्रयोग करवाए तो उसमें से हमने ये एक प्रयोग किया है। जो इसका ढक्कन हम खोलेंगे तो ये जो पानी है वो बाहर निकलेगा और जब इसका ढक्कन हम बंद करेंगे तो जो पानी है वो बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसका हम विज्ञान जानेंगे कि ये जो हम ढक्कन खोलते हैं तो इसके द्वारा हवा जाती है और ये प्रेशर बनाती है तो पानी बाहर निकलता है और जब इसको हम बंद करते हैं तो प्रेशर अंदर खूब बन जाता है और हवा अंदर भी हो जाती है तो पानी बंद हो जाता है। थैंक यू सो मच भैया। भैया हमने एक प्रयोग बनाया है, इसमें एक बॉटल है उसके अंदर पानी भरा है और हमने कुछ छेद किए हैं तो मतलब जब हम ऐसे करेंगे तो हमें मतलब पता चलेगा किसमें से ज़्यादा पानी निकलता है और किसमें से कम। भैया हमने ऐसे किया तो सबसे ज़्यादा तो नीचे से पानी निकलता है फिर ऊपर से। तो ऐसा इसलिए होता है कि मतलब जो पानी का दबाव है तो नीचे के छेद पर ज़्यादा पड़ता है और ऊपर तो मतलब जिस तरह से पानी का दबाव बढ़ता जाता है इसी तरह से मतलब इसमें से ज़्यादा निकलता है इसमें से कम फिर उसके मतलब कम ही मतलब निकलता जा रहा है।
थैंक यू सो मच भैया। हमने एक नियम बनाया है जो बॉटल है, जो मतलब पहले हम सीखते थे कि एक छेद करके कितना पानी निकलता है और कितनी धीरे धीरे से निकलता है या तेज से निकलता है, तो हमने बदलाव कर दिया है, जो आप ही बदलाव करना हमें सिखाया है। तो हमने दो छेद करके फिर देखा कि पानी ज़्यादा जल्दी निकलेगा या फिर धीरे धीरे, तो हमने देखा। भैया आपने इतने हमें लोगों को मतलब प्रयोग सिखाया है, तो अभी हमारी मतलब जो दोस्त थी तो उसने दो छेद किया है कि देख रहे हो कि पहले छेद से कितना पानी निकल रहा है और दूसरे छेद से कितना पानी निकल रहा है, और हमने तीन छेद किया है क्योंकि अब हम देखते हैं कि किस छेद से थोड़ा ज़्यादा पानी निकलता है और किस छेद से थोड़ा कम निकलता है। तो देखो भैया, जो हमारे दो छेद हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी निकल रहा है, और जो तीसरा छेद है थोड़ा दूर तो उसमें बहुत ही कम निकल रहा है। तो इस छेद से हमें इन तीनों छेदों से ये पता चल रहा है क्योंकि जब हवा का दबाव इन दोनों छेदों पे ज़्यादा पड़ता है तो इसमें ज़्यादा निकलता है, और यहाँ पर हवा का दबाव कम पड़ रहा है इसलिए भैया यहाँ नहीं निकल रहा है। थैंक यू सो मच भैया। और हमारी जो दोस्त आए उन्हीं से हम मिला जुला हम भी बनाए हैं, जो हमने चार छेद किए हैं, और हमने ये सीखा इसमें कि कौन से छेद से ज़्यादा पानी निकलता है और कौन से सबसे ज़्यादा कम। तो ये देखिए भैया, हमने ये बनाया तो ये नीचे वाला है तो जो ज़्यादा पानी निकल रहा है, और ये दूसरा है तो इसमें से, और तीसरे में तो निकलता ही नहीं, चौथे से हवा जा रही थी, पानी थोड़ा कम था तो इसीलिए उसमें से ज़्यादा नहीं निकला है, बहुत ही कम शुरुआत में निकला है। तो यही हमने सीखा है। थैंक यू भैया हम लोगों को ये सब सिखाने के लिए, और आप ही के जरिए से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच भैया, और आपने हमें बहुत से प्रयोग सिखाए, उसी से हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं। तो आइए भैया हम आपको दिखाते हैं। तो थैंक यू सो मच भैया, हमें प्रयोग करके बहुत अच्छा लगा। भैया आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपने हम लोगों को इतने सारे प्रयोग सिखाए हैं, तो आपने जितने सिखाए हम उन्हीं प्रयोगों में से प्रयोग करने जा रहे हैं जो कि इस तरह है। भैया ये हमने एक बोतल या देखिए, हमने दो छेद बराबर से किया है, ये देखते हैं कि इसमें से मतलब उन दोनों छेदों में से सबसे दूरी का पानी किस छेद से गिरता है। तो जैसे हमने भैया ढक्कन खोला है तो देखिए, हमें तो लगता है कि जो ये वाला छेद है इस छेद से मतलब दूरी का पानी गिर रहा है, और इधर से मतलब थोड़ा कम दूरी का पानी, या इसमें से तो पानी दोनों छेदों से बराबर गिर रहा है क्योंकि मतलब हवा का प्रेशर बराबर दोनों पर पड़ रहा है, तो इसलिए दोनों मतलब छेदों से पानी बराबर गिर रहा है। थैंक यू सो मच भैया, आपने हम लोगों को इतने सारे प्रयोग करके दिखाया और इतना कुछ सिखाने के लिए अपना इतना कीमती टाइम देने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू भैया आपका। थैंक यू सो मच भैया, और आपने हमें इतने सारे प्रयोग सिखाए क्योंकि आपसे हमने बहुत प्रयोग सीखा है। अभी बाटन से हमें पंप बनाया तो इससे देखो हम भैया जिसमें हवा दबाव बनता है, तो ये दोबारा ये हम बाटन में छिद्र जैसे वाल्व बनाएंगे तो इससे हम हवा भरेंगे। देखो भैया बनाया है पाटन में, इसी तरह से हमारे पूरे हवा ये गुब्बारे में जाते हैं। थैंक यू बहुत बहुत भैया, धन्यवाद, आपसे हम बहुत सारे प्रयोग सीखे हैं और हमें बहुत ही अच्छी सीख आपसे मिली। देखिए भैया, हमने सिर्फ एक खाली बोतल ली है और हम दबाव के बारे में इसमें बताएंगे। तो देखिए भैया, हम जो बॉटल है इसकी हम पूरी हवा निकाल देंगे पहले।
सारी अंदर की हवा निकाल दी। अब इस पर हम ढकनी बंद कर देंगे। अब हम देखेंगे कि ये ढकनी मतलब फूले मतलब जो बॉटल है या फूलेगी या नहीं फूलेगी, मतलब पहले जैसे सही होगी या नहीं होगी। तो देखिए भैया, हम बहुत से मतलब बहुत ज़्यादा ही जोर लगा रहे हैं, फिर भी ये बॉटल सही नहीं हो रही है। अब हम इसकी ढकनी खोल देंगे तो देखें यह बॉटल सही होगी या नहीं होगी, कोशिश करके देखते हैं। ये देखिए भैया, हमने ये बॉटल मतलब जब इसकी ढकनी हमने खोल दी तो मतलब जो वायु थी तो मतलब इस पर प्रेशर डालने लगी इसके अंदर, तो ये बाटली मतलब आसानी से खुल गई। तो थैंक यू सो मच भैया, हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो नहीं है उधर बोतल चले। भैया हम लोगों ने एक प्रयोग बनाया है और इसमें हम लोगों ने परफ्यूम मिलाई थी इस बॉटल में और इसको हमने ऐसे दबाया था तो इसमें ऑक्सीजन दी गई थी और परफ्यूम और ऑक्सीजन दोनों ज्वलनशील होते हैं, इसलिए जब हम लोगों ने माचिस लगाई तो उसमें आग नहीं निकली, आग निकली मतलब भैया हम लोगों ने परफ्यूम कम डाली थी इसलिए वो वाटर आसमान में नहीं गई, वरना जब परफ्यूम ज़्यादा डालते तो आसमान तक जाती वाटर। और मतलब भैया हमें डर भी लग रहा था कि मतलब हमें कहीं आग ना लग जाए। और मतलब भैया उसको जब रख रहे थे तो इधर उधर गिर रहा था तो उसको एक आधा के भर रखा तो उनका, और ऊपर अगर जो परफ्यूम ज़्यादा होती तो ऊपर उड़ जाती कम थी। यस भैया, हम लोगों के पास परफ्यूम कम थी इसलिए बोतल ऊपर को गई नहीं और सिर्फ जलने लगी, तो ये बोतल ऊपर को उड़ जाती। थैंक यू भैया।